और ये खबर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से आपको बता रहे हैं, जहां पर ऐन भारत की खबर का जबरदस्त असर देखने को मिला है। लोगों की पानी की समस्या अब खत्म होगी, ऐसा विधायक ने आश्वासन दिया है। ऐन भारत के जरिए विधायक ने कहा है कि अब जिन लोगों को पानी के लिए परेशान होना पड़ता था, उन्हें पानी के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। दरअसल हम सहसपुर विधानसभा के उन तमाम इलाकों में पहुंचे थे जहां पर हर घर नल की योजना चल रही थी और इस योजना के तहत लोगों तक पानी पहुंचना था, लेकिन हालात कुछ जुदा थे। अब विधायक कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में लोगों की समस्या का समाधान किया जाएगा, उन तक पानी पहुँचाने की कोशिश लगातार जारी है। इसी बीच आपको बता दें कि ऐन भारत की टीम लगातार ग्रामीण इलाकों में जा रही थी, उनकी समस्याओं को देख रही थी, किस तरीके से उनके नलों से पानी नहीं आ रहा था और रात भर उन्हें पानी की तलाश में जागना पड़ रहा था। लेकिन अब विधायक ने कहा है कि अगले कुछ दिनों में इनकी समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। सहसपुर विधायक सहदेव सिंह पुंडीर ने कहा है कि सड़कों को बनाने का काम भी चल रहा है, पानी को पहुंचाने का काम भी चल रहा है। कुछ जगहों पर अगर समस्याएं आ रही हैं तो उन समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा। नहीं आ रहा पानी। कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उस आधार पर हम लोग काम कर रहे हैं। और जो योजनाएं पानी की कहीं अभी रह जाएंगी, उसके लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि वो भी जल्दी से जल्दी उन योजनाओं का भी हमें वित्तीय स्वीकृति वगैरह मिले, वहाँ पर भी हम लोग पानी सबको मिले। जैसा हमने कहा है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री और हम सबकी परिकल्पना है कि हर घर हर नल को पानी मिलना चाहिए, उसी रूप में हम लोग इस काम में लगे हुए हैं। निश्चित रूप से और भी सड़कें वगैरह हैं, अभी आप देखेंगे कि कुछ जहाँ हमारा ये वर्ल्ड बैंक की योजना से पाइपलाइन वगैरह बिछाने का काम चल रहा है, वहाँ पर कुछ सड़कें बन गई हैं, कुछ जगह परेशानी थोड़ा है, लेकिन उसके टेंडर वगैरह पर क्या चल रही है। जैसे चंदबनी वाइल्ड लाइफ वगैरह सड़क है, उसका टेंडर मैं समझता हूँ कि 5-7-10 दिन में शायद टेंडर होने वाला है। टेंडर कॉल कर लिया PW ने, राज्य सेक्टर से 2,97,00,000 हमने सड़क के लिए वहाँ पर स्वीकृत कराए हैं। इसी प्रकार आपका जो ये अम्बी वाला इस वाले योजना के लिए हमने 1,64 की योजना लगभग हमने स्वीकृत कराई है। और अभी हमारे शासन में वित्त में हमारी बनिया वाला और हमारा इधर क्या नाम से खैरी शिवराज नगर, ये योजनाएं हमारी जो है वित्त विभाग में शासन में गई हैं, बहुत जल्दी मैं समझता हूँ। और सेला कोई बहुत जल्दी उन पर भी वित्तीय स्वीकृति मिल जाएगी और काम निश्चित रूप से पूर्ण होगा। हम अगर इधर बात करें सातवां मिल शुद्धो वाला से, अगर हम देखेंगे तो अभी लगभग 50 किलोमीटर के आसपास हमने रिन्यूअल में और राज्य सेक्टर के माध्यम से सड़कों के काम कराए हैं। जैसे भाववाला से हम भाववाला निकलेंगे, सातवां मिल से डुंगा की तरफ निकलेंगे, उधर सोरना डोबरी की तरफ निकलेंगे, और उधर कुछ सड़कें ऐसी थी जो कई कई वर्षों से नहीं बनी हुई थी, वो काम भी हमने निश्चित रूप से कराए हैं। और मैं आपके माध्यम से सभी सहसपुर के विधानसभा के क्षेत्रवासियों से निर्मल अनुरोध करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि बहुत तेज़ी से इस विधानसभा में विकास के कार्य चल रहे हैं और जो काम रुके हैं उनको भी हम लोग जनता के सहयोग से, जनता के सुझाव से और आप लोगों के माध्यम से उनको भी बहुत जल्दी उन कार्यों को भी हम पूर्ण करेंगे।